जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग देखे कि बिहार का शिक्षा और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ हमसे नहीं हो रहा। इस पति पत्नी के 12 बच्चे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने ऑपरेशन भी करवा लिया है, लेकिन फिर भी हर 9 महीने पर बच्चा होते ही जा रहा है। जब इनसे पूछते हैं कि और बच्चा होगा, तब ये क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। आज तक ससुराल में भी हम सोए हैं, शादी के बाद एक दिन भी रुके हैं कभी। ये पति पत्नी विगत कई सालों से संबंध स्थापित नहीं किए हैं, फिर भी 9 महीने पर बच्चे होते जा रहे। नहीं नहीं, हम तो नहीं चाहे, हम तो चाहे 4 बच्चा पर बंद हो गए। सबका एक बार ऑपरेशन होता है, लेकिन इस महिला ने 2 बार ऑपरेशन करवा लिया। और हैरानी की बात तो ये भी है कि 3 बार इसने अंतरा की सुई भी लगवा ली, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती। ऑपरेशन करवाए, अंतरा की सुइया लिए, उस पर भी बच्चा हो रहा है। अभी इतना ही नहीं, उसका पति क्या कहता है उसको सुनिए। हुआ, फेल कर गया, एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बार बच्चेदानी हटा दिया गया, बच्चा हुआ। उसके बाद फिर अंतर का इंजेक्शन 3 साल तक दिया गया, सालों साल इंजेक्शन दिया गया, लेकिन गर्भ में बच्चा रहते हुए भी अंतर का इंजेक्शन दिया, लेकिन बच्चा नहीं मरा, बच्चा हुआ, जिंदा है, एबॉर्शन नहीं हुआ। जब जब ऑपरेशन हुआ तब तक बच्चे होते ही जा रहा है। जब डॉक्टर को कहते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ऑपरेशन पे ऑपरेशन करते जा रहे हो, लेकिन बच्चेदानी भी तुमने निकाल दी, लेकिन ये बच्चा क्यों हो रहा है, तब डॉक्टर भी कहता है कि भाई हम क्या करें, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। सब बोले हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ सुनने के लिए बेदार नहीं जाएगा। जबरदस्ती अगर जाएवो करते हैं तो गुंडा भरवा करके मारपीट करवाते हैं डॉक्टर भाई। नौबत यहाँ तक आ गई है कि जब परिवार कह रहा है कि भाई तुमने ऑपरेशन किया है और सही किया है, तब ये कैसे हो गया है, तब मारपीट तक की नौबत आ जाती है। हॉस्पिटल में मारपीट तक हो जाती है और इसकी समस्या का समाधान ना ही डॉक्टर साहब से निकल पाता है, ना ही उस परिवार से निकल पाता है। पास है जो महिला अगर 8 महीने की गर्भवती थी तो हॉस्पिटल क्योटसा हॉस्पिटल में मारपीट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ये परिवार डॉक्टर और सुई के चक्कर में इतने बच्चा पैदा कर दिया है कि इसकी माली हालत खराब हो गई है। पहले से ही गरीब था, लेकिन 12 बच्चों को खिलाने में अब ये परिवार असमर्थ हो गया है। इधर इतना माली हालत खराब हो गया जो एक टाइम खाना देते हैं बच्चों को। जब ये परिवार अपने 12 बच्चे को खिलाता होगा तो कैसे खिलाता होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। आ चुके हैं, एक ही बार मेरे यहाँ खाना बनता है, जो इन बच्चों को मैं एक बार खाना देता हूँ, तो आप लोग बताइए कि जिस बच्चा को मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए हम कैसे प्रेरित करूँ। इसके घर में एक समय का खाना ही बनता है, वो भी बच्चे एक टाइम ही खाते हैं। जब ये सवाल उठता है कि जब ये एक समय खाते हैं तब ये लोग पढ़ाई वगैरह भी करते होंगे और स्कूल वगैरह भी जाते होंगे या नहीं जाते हैं। और स्कूल में भी अगर भेजता हूँ तो कॉपी किताब कलम और ये भी पैसा लगता है, हम क्या करें, तो इस बच्चा को कौन पालेगा, इस बच्चा को कौन पालेगा। इसीलिए जितना बच्चा हो रहा है, अगर 4 मेरे बच्चे अभी सियाने हैं तो 3 छोटे हैं, तो सब बच्चा को पालते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में तो करवा ही सकते हैं, प्राइवेट में नहीं करवाएंगे तो। अब ये बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी सुई तो लगवा दिए, लेकिन बिहार में ऐसे ही जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सुई है इन परिवार के ऊपर और इस महिला के ऊपर काम नहीं किया। 4 बच्चा पर हम पहला ऑपरेशन करवा लिए थे, जिस टाइम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं परिवार नियोजन, हाँ। पहला भाग हम ही लोग लिए थे। तो सवाल ये है कि बच्चा कब होगा और कब तक होते रहेगा, इस सवाल का जवाब भी हमारे पास नहीं है। नीरज सिंह जो है, नीरज सिंह के वीडियो के जरिए हम सुन लेते हैं जी। अब हर साल बच्चा होगा 9 महीने पर। अब ये चाचा को कहना पड़ेगा कि नीरज चाचा आप जाके एक बार आप खुद जो है, जो दुनिया में जो मेडिसिन है या जो पति पत्नी के बीच संबंध बनाने के समय में जो बच्चा ना हो उसका भी हम परहेज या मेडिसिन जानते हैं, उसको करते हैं 2015 ही से, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया, अंतरा फेल हो गया। और मेरा जो भी मेडिसिन जो है, आप लोग जो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं या जो यूज करते हैं, वो भी अगर फेल हो जाता है तो क्या। अपनी पत्नी का तो आपने सब उपाय कर लिया, वो तो फेल हो गया, आप भी एक बार जा करके अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। जिस रात मेरी शादी हुई थी इनसे, उस रात के बाद आज तक ना मैं अपने ससुराल में सोया हूँ। जब चाचा से रिपोर्टर पूछ रहा था कि पत्नी मायके जाती होगी तो वहाँ कुछ करती होगी, तब ये कहते हैं कि भाई ये तो हम कहीं जाते नहीं हैं,
हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा समस्या बढ़ जाएगा। और जिस दिन से शादी होकर के आई हम और ये 18 साल से आज तक कहीं बाहर भी नहीं गए और न कहीं रात बिताए हैं दोनों। मतलब जब से शादी हुई तब से आप लोग एक ही साथ सोए हैं, एक ही कमरे में, एक ही बेड पे। अब तो समस्या इतना बढ़ गया है कि कहीं जाने लायक ही नहीं है। कौन बैठाएगा अपने गाड़ी में, क्योंकि 10 बच्चे 12 बच्चे को लेकर के कहीं जाएंगे तो गाड़ी में कौन जगह देगा। अगर किसी बस में चलेंगे हाँ। बस में तो लोग क्या कहेंगे हमें, सो बताइए ना आप लोग कि इतना बच्चा लेके अगर एक बस में हम अगर सवारी सफर करेंगे, गरीब व्यक्ति हैं जो एक टाइम भूखो। भाई इस परिवार की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि पापा कॉपी का पैसा कहाँ से देंगे, कॉपी के लिए पैसा कहाँ से देंगे पापा। पापा का कहना है कि जो कमाते हैं अगर हम खाने का पैसा अगर कॉपी में लगा देंगे तो इनको खिलाएगा कौन। जो हमारे पास पैसा है उसमें तो या तो हम खिला सकते हैं या तो इनको पढ़ा सकते हैं, तो हम एक ही काम कर रहे हैं। पढ़ने के लिए अगर हम भेजेंगे तो इस बच्चा को लालन पालन पोषण कौन करेगा। हम पति पत्नी दोनों आदमी हैं, इतने बच्चे को छोड़ के इन बच्चों को अगर पढ़ने के लिए भेज देंगे तो फिर हम लोग इसको कहाँ से क्या करेंगे। तो मजदूरी करता है बच्चा लोग, जलावन लाता है या जिस तरह से व्यवस्था हो मांग चांग के, तो रात को खाना बनेगा तो खाएगा। तो उन बच्चों को मैं कैसे कहूँ कि तुम स्कूल जाओ, स्कूल जाने के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, इसीलिए ना मैं निवेदन कर रहा हूँ। लगता है कि मोदी जी को ही बोलना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो सुन लीजिए मोदी जी आपको ही गुहार लगा रहे हैं। जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग देखे कि बिहार का शिक्षा और बेटी बचाओ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ हमसे नहीं हो रहा है और सरकार लंबा लंबा बोल रहे हैं। तो उन तक यह वीडियो को पहुंचाइए आप लोग प्लीज शेयर करके नीरज सिंह के तरफ से। जब इन्होंने कह ही दिया है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और आप लोग जो है मोदी जी तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। और आपको क्या लगता है, आपको क्या उपाय है इस परिवार के लिए, आपकी जो भी उपाय होंगे उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।